एक तरफ जहां एनसीआर और उत्तर हरियाणा में जोरदार बारिश से लोग परेशान हैं, वहीं दक्षिणी हरियाणा में पानी की कमी से फसलें सूखने के कगार पर हैं। बरसात की बेरुखी के चलते यहां के अधिकतर गांव में बाजरा और ग्वार की फसल मुरझा गई है। कई जगह तो फसल पूरी तरह से सूख चुकी है। पूरी तरह फसल पर ही निर्भर किसान खून के आंसू रो रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों के अधिकतर हिस्से में खरीफ की फसल पूरी तरह से बरसात पर ही निर्भर है। डार्क जोन में शामिल जिला महेंद्रगढ़ में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे जाने से यहां कुछ ही क्षेत्र में ट्यूबवेल व नहरी पानी से सिंचाई हो पा रही है। जिला के गुजरवाटी व नलवाटी क्षेत्र में महीने भर से बरसात नहीं हुई है। इससे फसलें पकने के कगार पर पहुंचकर सूख गई है। कई जगह तो फसलें इस कदर खराब हो चुकी हैं कि अगर अब बरसात होती भी है तो कोई फायदा नहीं होगा। मानसून की शुरुआत में इस बार अच्छी बारिश होने से किसानों ने अगेती फसल की बुआई की। जुलाई महीने में अच्छी बरसात से बाजरे की फसल बड़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन जुलाई आखिर के बाद से बारिश नहीं हुई है। इससे फसलें लगातार मुरझाती जा रही हैं। जिन किसानों की जमीन नहर के साथ लगती थी, उन्होंने तो नहरी पानी से सींच कर फसल को बचा लिया, जबकि बाकी फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है।